माइजा, वो वजीर आजम जो कल तक कह रहा था कि जी अदलिया और फौज को हमने टारगेट नहीं करना है, वो आज पार्लियामेंट के तकद्दुस की बात भी कर रहे हैं, वो जजेस के कॉन्डक्ट को पार्लियामेंट में जेरे बहस लाने की बात भी कर रहे हैं, ये क्या हुआ है? ये जो एक अदलिया मुखालिफ बयानिया नवाज शरीफ साहब बिल्डअप कर रहे थे, हमें तो लग रहा था सिर्फ अवामी सतह पर उसको जो है यू नो बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही है और वहाँ पर उसको पजीराई मिल रही है बकौल आप लोगों के, लेकिन ये पार्टी के अंदर भी अब पजीराई मिलने शुरू हो गई। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने क्यों यू टर्न लिया है? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मारुख, पहली बात तो यह है कि लीडर या पॉलिटिशियन या सियासतदान वही होता है जो सियासी मकासद को छोड़ के लार्जर इंटरेस्ट पाकिस्तान का, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन देखता है। और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने स्टेप डाउन करके प्राइम मिनिस्टर शिप की जो सीट है, हालांकि फैसला जो है मानते हैं इमरान खान साहब आज 5 महीने बाद मान रहे हैं, चलो मान तो रहे हैं कि फैसला वीक था। ये माइजा स्टेप डाउन फैसला वीक का भी आता है, नवाज शरीफ साहब ने स्टेप डाउन तो नहीं किया, चले ही उन्होंने इदारों का तकद्दुस, इदारों की बात को सर आंख पे रख के जो है उनकी बात मानी और वो वजीर आजम की जो कुर्सी है वो छोड़ के चले गए। बात तो ये है कि अगर पार्लियामेंट एक सुप्रीम इदारा है, विच इज अ फैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, तो फिर पार्लियामेंट का कोई कंटेम्प्ट नहीं है, मेरा ये सवाल है। इस तो बात को तो कराहा ऑपोजिशन लीडर ने भी, पीपल्स पार्टी के भी,